गौनंदन देसी घी के घी से बनाई हुई यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ये जिस जगह पे मैं आज आया हूँ ये नंदनवन गौशाला है बीकानेर राजस्थान में। तो आज जिस जगह पे मेरा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ गौशाला है तो ये यहाँ पे देसी गाय के दूध से और मावा से बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आप जितने भी जिस तरह के भी जो भी गौ भक्त हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह की मिठाइयाँ भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। और ऑर्डर बेसिस पे शादी के लिए या कोई भी पारिवारिक समारोह है या कुछ भी है इस तरह की वो ऑर्डर बेसिस पे मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। आज मेरा जो आगमन हुआ है ये श्री नंदनवन गौशाला बीकानेर राजस्थान में हुआ है। ये बीकानेर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सन 2012 में इस गौशाला की स्थापना हुई थी। जैसे ही आप इस गौशाला में आएंगे तो आपको सबसे पहले बस स्टेशन पे आना पड़ेगा, बस स्टैंड पे बीकानेर रेलवे स्टेशन से, और वहाँ से सवा घंटे में आप इस गौशाला के परिसर में जैसे सामने गड़ियाला फांटा NH हाईवे 11 नंबर पे है ये आपका गौशाला, और यहाँ पे आ सकते हैं बस के द्वारा। सवा घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आप जैसी बाहर उतरेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि देसी गौ माता के दूध से, घी से, मावा से शुद्ध 15 से 20 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे उसमें केसर पेड़ा हो गया, जलेबी हो गया, बादाम पाक हो गया, केसर पाक हो गया, कलाकंद हो गया, रसगुल्ला हो गया, इस तरह से बहुत सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छे से बनाई जाती है। और मैंने इन मिठाइयों को इनका स्वाद कल मैं जब आया था इस गौशाला में तो स्वाद भी चखा तो सर्वोत्तम क्वालिटी का है देखते हैं। और इनका ये देखिए यहाँ पे गौनंदा मतलब जहाँ पे गायों माता का पूरा सेवा हो रहा हो और उनकी दूध से और घी से मिठाइयाँ बनाई जाती है। गौनंदन देसी गाय के घी से दूध से बनी हुई मिठाइयाँ इस तरह की। और यहाँ पे इनका ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि जैसे कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा, पनीर पोपर, जलेबी, प्रसिद्ध लस्सी, केसर कुल्फी, इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे आपको उत्पाद शुद्ध मिलेंगे। जो कि आज हमारे ग्राहक लोग ये सोचते हैं कि हमें शुद्ध चीज़ें खानी चाहिए लेकिन वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको वो केमिकल ही मिलती है। तो यहाँ पे शुद्ध चीज़ों का भी आवास है, गौ माता का आवास भी है, अच्छे संत महाराज लोगों का भी आवास है। तो आइए इसको स्टोर के अंदर चल के थोड़ी सी संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या और है। जय गौ माता, जय गोपाल 1983 ये मेरे YouTube चैनल का नाम है। मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ, जो नोएडा सेक्टर 22 में करीब 8 साल से आप सभी ग्राहकों को शुद्ध चीज़ें देने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। और दूसरा यही है कि आज जो मेरा आगमन हुआ है श्री नंदनवन गौशाला बीकानेर राजस्थान में, जहाँ पे गौशाला के परिसर के बाहर ही आपको शुद्ध देसी गाय के दूध से, घी से मिठाइयाँ मिलेंगी और 15 से 20 तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, आपके समोसे, ब्रेड पकौड़ा और बिस्किट्स, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए, हमारे साथ में आज आई प्रकाश जी हैं जो इस काउंटर के संचालक हैं, मैं उनसे और वो जवाब देंगे। आप लोगों तक हर चीज़ पहुँचनी भी चाहिए। आइए बात करते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है आई प्रकाश जी। और जिस तरह से हमारे ये सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, माताएं, बहनें, आवाम, जनता, किसान भाई लोग, जो लोग भी अच्छे उत्पाद के देख रेख में रहते हैं कि उनको उत्पाद मिल जाए अच्छे, तो हमारी खोज वही रहती है। तो आपके यहाँ पे ऐसा काउंटर पे क्या चीज़ है जो हमारे जैसे ग्राहक लोग अगर यहाँ से ऑर्डर दें तो क्या आप कुरियर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से भी भेज सकते हैं, या यहीं पर आके ये मिठाइयाँ लेनी पड़ेंगी? और इस तरह से आप ये जो नमकीन के डब्बे हमारे सामने अभी डिस्प्ले हो रहा है इसके बारे में पहले से पूछ लीजिए क्या कर दिए। ये हमारे यहाँ पे बनता है सब, मतलब अपना इधर देसी है सारा, क्योंकि यहाँ मिठाइयों का काम है, न
अपना जो काउंटर है जो मिठाई से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे है जो अपने रसगुल्ले से स्टार्ट किया था 5 किलो रसगुल्ले से, आज तक मतलब अपने 10-12 तरह की 15 तरह की मिठाई बनाई है, नमकीन आइटम है, भुजिया और है, मिक्सचर है, मोटा भुजिया है, सब कुछ बनाया है, यहाँ की लस्सी है, रसगुल्ले है, मतलब रसमलाई है, हर चीज हमने बनाते हैं, फ्रेश और प्योर बनता है और प्योर निकलता है, लोग यहाँ की प्योरिटी जानेंगे यहाँ पे आते हैं। काम अच्छा होता है तो सारी आम जनता अच्छे लोगों के साथ जुड़ के अच्छे उत्पाद खरीदती है। अब इसमें मेरे सामने जो एक बॉक्स है इसके अंदर काजू नमकीन है, मतलब काजू वाला नमकीन है, आप इस तरह के काजू नमकीन पे आ सकते हैं, ये आप देख लीजिए, इस तरह की पैकिंग है, अच्छी सी क्वालिटी है और काजू नमकीन है। दूसरा अगर हम इनके नमकीन पे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि गोल मठरी है या मट्ठी बोल लीजिए, ये आपका सुबह का नाश्ता है या शाम का नाश्ता है, चाय के साथ है, कैसे भी किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन पैकिंग और क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है। अब तीसरी नमकीन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मसाले वाला नमक पारा है, तो हर जगह पे इन सब नमकीन का अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे यूपी में तो इसको नमक पारा ही बोलते हैं, मसाले वाला नमक पारा। और एक सादा नमक पारा भी है इनके यहाँ पे, ये सादा मटर बोलते हैं, ये मसाले वाला मटर बोल लीजिए, सादा नमक पारा बोल लीजिए, जैसे भी है, तो इस तरह से पैकिंग है। और जो अभी ये है ये नमकीन समोसा, ये मुझे थोड़ा अलग सा लगा। अब नमकीन समोसा में ये कहते हैं कि ड्राई फ्रूट डाला गया है, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, और नमकीन तरह का है, काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, स्वाद है, तो ये मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, अपने परिवार को खिलाऊँगा, जब अच्छे उत्पाद हो तो सबको खा के मिल के उसका प्रचार करना चाहिए अच्छे लोगों का। तो आपके यहाँ पे अभी जैसे मैं ये काउंटर सेल्फ में मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ तरह के नमकीन भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप ये थोड़ा सा नमकीन के पैकेट को भी दिखाइए। अपने खुद का उत्पाद है। अच्छा, खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, बनवाते हैं। तो ये भुजिया है आपका? हाँ। अच्छा, तो ये सादा भुजिया है या तीखी वाली? सादा जो बीकानेर की भुजिया बोलते हैं ना, सेव जो बीकानेर में भुजिया के नाम से बीकानेर फेमस है, प्रसिद्ध है, ये भुजिया आप इस तरह से पैकिंग देख सकते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और अंदर जो आपने मटेरियल इस्तेमाल किया या डाला गया है पैकेट के अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब दूसरा हम चलते हैं तो मोटा भुजिया ये भी एक तरह का है, मोटा भुजिया, ये सादा होता है या तीखा होता है? ये आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग है, बहुत अच्छी पैकिंग चल रही है। और तीसरी नमकीन जो है ये हमारे यहाँ पे इसको मिक्सचर नमकीन बोलते हैं, ये थोड़ा खट्टा मीठा की तरह आता है सर, ड्राई फ्रूट, तो ये बहुत अच्छी पैकिंग है, तो आप लोग इन सब नमकीन पे आ सकते हैं। और भी कुछ अगर आपके पास है तो मुझे आप दिखा सकते हैं, जैसे बिस्किट्स के आप डब्बे दिखा दीजिए, आपके पास क्या क्या है? देसी आटा। हाँ, ये आपका आटे से बना हुआ बिस्किट है और इस तरह की पैकिंग है, तो ये मैं सोचिएगा कि सिर्फ नमकीन पे और मिठाइयों पे ही ये जो आज प्रकाश जी का ध्यान है, ये सारे आवाम जनता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और आप देख सकते हैं ये आपका आटे का बिस्किट है, और ये आपका जो है चेरी वाला बिस्किट है, इसको चेरी और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की सब चीज़ों से ज़्यादा हमारे पास 8-10 तरह का वैरायटी है, मतलब उसमें हर तरह का चॉकलेट बिस्किट है, आटा पट्टी बिस्किट है, देसी में है, मैंगो चेरी हो गया, ये बटर स्कॉच बिस्किट मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए बटर स्कॉच बिस्किट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ही, तो खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा होगा और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। और अगर आप स्मेल करते हैं, सुनते हैं इस बॉक्स को, तो आपको देसी चीज़ों की एहसास होता है कि हाँ ये वाकई में अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाकी और दिखाइए आपके पास उधर और कौन सी? मैंगो चेरी हो गया, ये मैंगो चेरी है, चॉकलेट बिस्किट हो गया, मैंगो चेरी कुछ अलग बिस्किट है, क्योंकि मैं जितना रिसर्च करता हूँ ग्राउंड लेवल पे 8-10 साल से मैं अपने स्टोर के लिए करता हूँ ये, और मुझे पता भी होना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी महिला है या नारी है जो भारत देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खोजता रहता हूँ, मेरा काम है खोज करना। तो अभी देखो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंगो चेरी के स्वाद में मैंगो का भी स्वाद है, और क्या चाहिए हम लोगों को, अच्छे उत्पाद से जुड़ना है हम लोगों को। और ये देखिए चॉकलेट वाला बिस्किट है,
तो इस तरह से चॉकलेट का बिस्किट भी है इनके यहाँ पे। और भी कुछ आपके पास है कुछ और मिठाई आपके पास है? राजभोग में क्या रहता है? शुद्ध मार्केट से हम लेते हैं, हमारे यहाँ पे जो उसका हम लोग ब्रांड में पैक करके हम करते हैं। आप अपनी गौशाला में ही पैकिंग करते हैं? नंदा मन गौशाला में के परिसर में इस तरह की देखिए बहुत जबरदस्त पैकिंग है। ये 200 ग्राम की पैकिंग है काजू का, आप देख सकते हैं रोस्टेड होने यहाँ पे बनाए जाते हैं जी जी जी। और ये आपका ये काजू है, तो ये काजू की पैकिंग भी देख लीजिए, बादाम की पैकिंग मैंने आपको दिखाई दिया है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो इनके यहाँ पे रोस्टेड बादाम मतलब की भुना हुआ बादाम और रोस्ट किया हुआ मीठा सा नमकीन सा इस तरह से, तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की पैकिंग और क्वालिटी है बहुत अच्छा। तो आप ये देखेंगे रोस्टेड काजू भी है यहाँ पे। तो इस तरह के जब उत्पाद हमें मिल रहे हैं तो हम क्यों केमिकल खा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है आपको केमिकल से बाहर निकलना? सभी को हमारे यहाँ पे गाय से जुड़ी हुई गाय के गौमूत्र है, हवन कंडे है, और भी बहुत सारे उत्पाद है जो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो वो काउंटर पे अभी मुझे आप दिखाइए एक एक करके। हाँ, जरूर। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देख लिया कि इनके पास काजू बादाम सादा भी है और रोस्टेड वाला भी है इनके पास, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग है और बहुत अच्छी पैकिंग है नंदनवन गौशाला की। मैं काफ़ी यहाँ पे आकर मुझे खुशी महसूस हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा इन उत्पादों से प्रभावित भी हुआ हूँ। अब जैसे ये आय प्रकाश जी ने दिखाया है कि नेचुरल गौ नंदन गौशाला नंदनवन गौशाला का 100% ऑर्गेनिक और मेड विद मेड फ्रॉम हर्बल इंग्रेडिएंट्स। हर्बल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करके, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, उस तरह से ये बनाया गया है और देसी गाय का ही उत्पाद है ये। तो जब इन चीजों को हम अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और ऐसे ही अच्छे उत्पाद से गौशाला से जुड़िए, मात्र 30 रुपए का इसका दाम है और 24 स्टिक है। अब इसमें दाम भी वाजिब है, पैकिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी है, कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पैकिंग। दो तरह के पैकेट है, एक छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट, इसी का आप भी कह रहे हैं बड़ी पैकिंग। दो स्टिक तो ये 30 रुपए में 24 स्टिक था 42, और ये बड़ी पैकिंग भी बहुत अच्छी पैकिंग की है। ये नहीं कि बड़ी पैकिंग है तो सेम पैकिंग करके बड़ा कर रखा है, दोनों का इन्होंने जो पैकिंग किया है वो बिल्कुल अंतर है। आपको लगेगा कि ये कोई दो उत्पाद है लेकिन एक ही उत्पाद है, बस छोटा बड़ा का फर्क है और पैकिंग का कलर भी है। बहुत अंदर स्टिक है ये 100 रुपए का 60 स्टिक है, इस तरह से आपके सामने है ये। और ये जो गौशाला का उत्पाद है, आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह का उत्पाद हमारे नीतू ऑर्गेनिक स्टोर में मात्र 2 दिन के अंदर आप सभी ग्राहकों को उपलब्ध होने वाला है। तो बेझिझक आप इन सब चीजों को देखिए। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ हवन कंडा भी है, आप इससे पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो हवन कंडा भी यहाँ पे इस गौशाला का है परिसर में, और यहाँ काउंटर पे भी है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और हवन कंडा की जो सबसे बड़ी पैकिंग है, ये अभी छोटी पैकिंग आपने देखा, अब बड़ी पैकिंग की आप देखिए कितनी शानदार पैकिंग है इसकी। यहाँ गौ माता है, पेड़ है, और गौ नंदन लिखा हुआ हवन वृक्ष है, ये मेड फ्रॉम प्योर इंडियन देसी काऊ डंग। इस तरह की जबरदस्त पैकिंग देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ब्रांड क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। और गौ माता का गोबर में 23% ऑक्सीजन होता है, गोबर के कंडों में 43% ऑक्सीजन होता है, लेकिन कंडों को जब जला देते हैं तो राख निकलता है, राख में 60% ऑक्सीजन होता है। तो जब ऑक्सीजन हमें नेचुरल फॉर्म में गौ माता से ही सब कुछ मिल रहा है तो हम केमिकल पे क्यों जाए। तो ये इस तरह की पैकिंग है और नीतू ऑर्गेनिक सोजी स्टोर पे उपलब्ध होने वाला है, बहुत अच्छी पैकिंग है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और इस तरह का आप अगर आप देखते हैं तो गौमूत्र अर्क भी है, आप लोग गौमूत्र अर्क का सेवन सुबह उठते ही एक गिलास पानी में एक ढक्कन डाल के, गर्मी के मौसम में आधा ढक्कन डाल के एक गिलास पानी में आप सेवन करिए, शरीर में जितना भी कचरा है, केमिकल है, कुछ भी है, वो यूरिन के रास्ते से आपका फ्लश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि गौमूत्र को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल करिए अगर आपको आने वाले समय में अपने आप को कैंसर से बचाना है। कैंसर से बचाना है तो देसी गाय का बिलोना घी, देसी गाय का दूध, हल्दी, हाई कर्क्यूमिन वाला परसेंटेज वाला, और गौमूत्र अर्क, ये सब चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको कैंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये 4 चीज़ वो मैंने बताया है,
जो कैंसर आपके शरीर में घुसेगा नहीं, वो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, मैंने पिछले वीडियो में मिठाइयों का दिखाया था आप लोगों को, और मैं काफी ज्यादा इन सब चीजों से प्रभावित होता हूँ। लोगों को यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर से आप कोई भी उत्पाद खरीदिए, क्योंकि हमारे भारत देश में हमारे जैसे आई प्रकार जी जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय समाज के लिए, संस्कृति के लिए, गौशाला के लिए। तो कोई एक नहीं है, यहाँ हजार लोग हैं, बस उन हजार लोगों को आपको ढूंढ कर निकालना है और अच्छे उत्पाद आपके घर में उपलब्ध हो जाएंगे। या तो डिलीवरी हो सकती है या आप वहां जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा और कुछ आखिरी समय में आई प्रकाश जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ हमारी जनता को या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आई प्रकाश जी आप कुछ बताइए, मन के भाव बताइए। कुछ नहीं, बस यही कि हम तो गौशाला से रिलेटेड मेरी दुकान है, गौशाला ने खर्चा किया, इतना बड़ा गौशाला ने बनाया है, इसलिए कि लोगों को यहाँ पे देसी और प्योर चीज मिल सके। हमारे जो यहाँ पे मिठाई से स्टार्ट किया था, मिठाई है, और भी जो लोग डिमांड करते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे, यात्री आते हैं, जो परिजन घूमने के लिए आते हैं, गमली लेके आते हैं, तो उनको यही की सारी चीज उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। तो जो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ जो देसी है प्योर है वो तो यहाँ पे उपलब्ध कराना, उनकी जानकारी देना, उस संबंधी हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। और आप जैसे लोगों के साथ मैं जब वार्तालाप करता हूँ तो मेरे अंदर जो काम करने का इतने साल से मैंने बीड़ा उठा रखा है गौ माता के लिए, वो मेरे अंदर एनर्जी और आ जाता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, जय गौ माता, जय गोपाल। आई प्रकाश जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। और जैसा कि मेरा आज मन आज नंदनवन गौशाला बीकानेर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे बस से आप 45 मिनट 40 मिनट में आसानी से या सवा घंटा भी लग सकता है आ सकते हैं। इस गौशाला में खास बात बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन नंदनवन गौशाला के आप सीधे हाथ पे अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे ऐसा स्टोर है जहाँ पे देसी गाय के दूध से और घी से मावा से मिठाइयाँ बनाई जाती है, और उसके जो स्टोर के संचालक हैं वो आई प्रकाश जी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो देसी गाय के दूध से और घी से जितनी भी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी है, मतलब कितने प्रकार की मिठाइयाँ आपके पास हैं आई प्रकाश जी? 10 से 15 प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। 10 से 15 तरह की मिठाइयाँ, अच्छा। और दूसरा देसी गाय के जो दूध से बनते हैं रसगुल्ले हो गए, मावे से बनती है जो गुलाब जामुन हो गए, बाकी बालूशाही पेठा वगैरह जो मावे से बनते हैं, मावे के पेड़े हो गए, मोतीपाक हो गए, ऐसी बहुत सारी मिठाई जो हम यहाँ पे बनाते हैं। और दूसरा जैसे काजू कतली है, काजू परचेज करते हैं, काजू हो गए, और बाकी और भी है जैसे लस्सी हो गई, दही से रसमलाई हो गई, कुल्फी भी बनाते हैं हम अपनी यहाँ की, जो केसर कुल्फी यहाँ की फेमस अपने गाय के दूध से जो निर्मित होती है, राजभोग हो गए और जलेबी हो गई जो देसी घी से बनती है, सारी मिठाई अपने यहाँ पे बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 15 से 16 मिठाइयाँ देसी गाय के घी से और बहुत सारे आइटम है, मैंने आधे नाम लिए सब, यहाँ अपने कलाकंद है, मिल्के के वगैरह सारी इधर अपने बनती है जो देसी राठी गाय के दूध से बनती है। तो मेरा दूसरा सवाल यही है आई प्रकाश जी कि जब यहाँ पे त्योहार आता है, भारत में हमारे त्योहारों पे ही सारी संस्कृति टिकी हुई है, तो जब त्योहार आता है तो बल्क में मिठाइयों का ऑर्डर आपके पास आता है क्या? आता है, काफी लोग देते हैं, शादी ब्याह में भी देते हैं, कुछ फंक्शन होता है छोटा मोटा उसमें भी देते हैं। 5-10 किलो चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर उनको ज्यादा चाहिए जैसे 15 से 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, तो उनको 2-4 दिन पहले बोलना पड़ता है ताकि हम उससे व्यवस्था करके रखे, दूध की हमारे घी की जो स्टॉक क्या है वो सब चेक करना पड़ता है, उस हिसाब से देख के रखे कि हाँ। आपका ये मिठाइयों का काम कितने साल से ये चल रहा है बताइए थोड़ा? लगभग 5-6 साल हो गए इस स्टोर को, तो अभी 7-8 महीने हुए, बाकी बाहर अपने छोटा सा केबिन बनाया हुआ था, वहाँ से एक रसगुल्ले से स्टार्ट किया था 5 किलो से, अच्छा, आज हम दिन में 30-40 किलो भी बेच लेते हैं। बहुत अच्छा, तो अभी जिस तरह से आप मिठाइयों पे काम कर रहे हैं, 15 से 20 मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो लोगों का आगमन आवाज यहाँ पे स्टोर पे मैं देख रहा हूँ, एक एक करके मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, तो अभी जिस तरह से मिठाइयाँ लोग खा रहे हैं तो उनका क्या कहना है, स्वाद में कैसा लग रहा है?
स्वाद सब प्योर और देसी चीजें, इसीलिए लोग आ रहे हैं यहाँ से लेने के लिए। ऐसे तो बिल्कुल 100 रुपए किलो भी मिलते हैं, लेकिन हमारे 130 रुपए किलो, लोग प्योरिटी दे के आते हैं। सौर अच्छी और प्योर मतलब देसी चीज मिलेगी, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब 100 और 130 में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर 130 ऐसे तो आपको मिल जाएंगे बीकानेर में, सब लोग 80 रुपए से लेके 160 रुपए तक के मिलते हैं, हमारी एक ही रेट 130 रुपए किलो। और दूसरा, मैं आपकी मिठाइयों को थोड़ा सा देखना भी चाहूंगा कि आप किस तरह ट्रे में रखा हुआ है। बालूशाही पेठा, बालूशाही पेठा के नाम से है ये, और इसको मैंने स्वाद आज सुबह ही जब मेरा आगमन हुआ था तो मैंने टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा यहाँ पे बालूशाही है, दो के दे दिए ना। और तीसरा केसर मावा पेठा है। अगर नीचे के शेल्फ में जाते हैं तो ये देखो, ये काजू कतली है। और फिर थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये रसगुल्ला है, इस तरह से जार की पैकिंग में है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की यहाँ पे गौशाला में आके आप मिठाइयों का भी आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के लिए यहाँ से ये मिठाइयाँ लेके जा सकते हैं। अगर दूसरे शेल्फ में आते हैं तो यहाँ पे मोतीचूर का लड्डू है, मोती पाक है, बहुत अलग सी मिठाई लग रही है मुझे, मैं इसको ज़रूर टेस्ट करूँगा। और केसर पेड़ा भी है, जो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ पे केसर पेड़ा को। और कलाकंद है, मिल्क केक है, ये जलेबी भी देखिए यहाँ पे है, कितना देखने में ही अच्छा लग रहा है, तो आप सोचिए खाने में कितना मज़ा आएगा। तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो बेसन बर्फी है, कलाकंद है, और इनके बॉक्स की जो पैकिंग है वो भी शानदार है। अगर आप ये देखिए बॉक्स की पैकिंग, तो एक जैसे ब्रांड कंपनी का होता है ऐसे ही उनकी रॉयल पैकिंग है। एक बॉक्स की पैकिंग नीचे से निकाल के शेल्फ के ऊपर रखिए, मैं इसको बॉक्स को देखना चाहूँगा, पूरा बंद हुआ, बॉक्स को बंद करके दिखाइए। ये मिठाई का जो बॉक्स है, अगर आप देखेंगे इसको आप ऐसे पकड़िए, अब आप ये देखिए, जो आप हल्दीराम का बाहर से मिठाई खरीदते हैं या बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी का, तो एक तो मिठाई देसी गाय के दूध मावा से ये सबसे बना हुआ है, और इसकी पैकिंग कितनी शानदार है। जब इतनी अच्छे उत्पाद और एक रीजनेबल रेट में, वाजिब रेट में मिल रहा है, तो हम इसको, हमें सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए। अब आगे बढ़ के अगर थोड़ा इस तरफ चलते हैं तो ये केसर चमचम है यहाँ पे, और केसर लस्सी भी है इनके पास इस तरह से ग्लास में, मलाई लस्सी। ये हो गया एक बिस्किट का पैकेट, क्या है ये, कौन सा, क्या नाम है बिस्किट का? बटर स्कॉच। ये अच्छा, ये है, ये ड्राई फ्रूट बिस्किट हो गया, ये ड्राई फ्रूट बिस्किट हो गया, ये नमकीन बटर, ये भी अपने इधर ही बनता है, ये मैदे का। अच्छा अच्छा, ये नमकीन है, इस तरह से आप आ सकते हैं। नमकीन बटर हो गई, नमकीन मट्ठी हो गई, नमकीन मट्ठी हो गई, सादा मटर हो गया, नमक पारा बोलते हैं इसको, ड्राई फ्रूट समोसे हो गए, ड्राई फ्रूट समोसे हो गए, ये अलग सा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि ड्राई फ्रूट सारे डाले गए होंगे। आई प्रकाश जी जरा इस पे कुछ बताएंगे, ड्राई फ्रूट समोसे में क्या है? ड्राई फ्रूट में काजू हो गए, बादाम हो गए, उस टाइप का सारा मिला के अपने बनते, तो मैदे से ही है लेकिन ठीक है, अगर कोई बात नहीं, मैदे से बन रहा है, लेकिन अगर हम कहते हैं मैदा हमारे शरीर में जाके थोड़ा नुकसान करता है, वो तभी नुकसान करता है जब आप रोज उस चीज को खाने लगेंगे, तो कभी कभार अगर आप कोई चीज खा रहे हैं तो उसपे आइटम हो गए सारे, मतलब ज्यादा सेवन के लिए नहीं, लेकिन नाश्ते में अगर लोग चाहे ना कि चाय के साथ नाश्ता होना चाहिए, उस हिसाब से ये पैकेट बनाए हुए, आधा आधा किलो के 400 ग्राम का पैकेट है, तो नाश्ते के हिसाब से लोग यूज लेते हैं। आई प्रकाश जी एक बात बताइए, जो आपके पास ये बिस्किट है, इस बिस्किट में कितनी वैरायटी है आपके पास? वैरायटी अभी तो दो दिखाई दे रहा है, बटर स्कॉच, हमारे 10 तरह का है बिस्किट लगभग। थोड़ा सा नाम बता सकते हैं क्या क्या? जैसे देसी आटा हो गया, डालडा में भी है, हमारे हर तरह की वैरायटी है, जैसे अच्छा उसमें मैंगो चेरी हो गया, बादाम बिस्किट हो गया, चॉकलेट बिस्किट हो गए, और भी है चेरी बिस्किट हो गए, मैंगो चेरी हो गया। तो ये बताइए आपके यहाँ पे बिस्किट में जो सबसे ज्यादा स्वाद में अच्छा लगता हो, तो आप क्या बताते हैं मुझे कि कौन सा अच्छा होगा आपके पास? सारे अच्छी है, बस स्वाद अनुसार है, चेरी भी है, चॉकलेट भी है, हर तरह का है, मतलब देसी में है, बटर स्कॉच हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, हर तरह की वेराइटीज अलग अलग है, और सब मतलब देसी में है अपने।
तो 10 से 15 तरह के बिस्किट की वैरायटी है और नमकीन की कितनी वैरायटी है? 5-6 तरह की नमकीन है, सादा मटर हो गया, समोसे हो गए, नमकीन मटर हो गया, मेथी मट्टी हो गया, ऐसे करके हर तरह का है। तो ये आपके यहाँ पे जो मिठाइयाँ ऑर्डर बेसिस पे त्योहार पे आप बनाते हैं तो उसमें तो काफी भीड़ या रस होता होगा, बहुत बर्डन भी होता है पूरा। अभी जैसे गुजिया आने वाला है, होली आएगा तो गुजिया आएगा ही आपके स्टोर पे। ऐसे लोग मतलब सीजन के हिसाब से होता है, अभी पहले सर्दी का सीजन था, एक महीना पहले हम घेवर बनाते थे, अभी गर्मियों में घेवर हमें बंद करना पड़ा। अच्छा, वो सीजन के हिसाब से जो मिठाई चलती है वो भी बनाते हैं सारी बनाने। कस्टमर भी मांगते हैं कि इस चीज का डिमांड है तो उस चीज उनको अवेलेबल करवाते हैं कि हाँ ये चीज हमारे पास मिल सकता है, हम बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें ना करें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस अंत तक वीडियो देखना है जिससे सारी जानकारी आपको मिले घर बैठे और अच्छे लोगों से जुड़ के आप अच्छे उत्पाद अपने घर में लेके आइए। मेरा मकसद सिर्फ वही है।